हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओनली चैनल शेपर्स एजुकेशन, जहां पे आपके लिए सारे के सारे कंटेंट्स मैं रेडी करता हूं। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए मोहित तापड़िया। और आज एक बहुत ही नया सा सेशन मैं स्टार्ट करने वाला हूं। देखो, मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था ना, मेरा एक ही मोटिव था, मैं उन पर्टिकुलर बच्चों को टारगेट करूं जिनके लिए यूट्यूब पे कंटेंट कोई क्रिएट कर ही नहीं रहा है या जिनके लिए कंटेंट बहुत लिमिटेड है। तो वैसे ग्रुप्स को मैं सबसे पहले टारगेट करता था। इससे हम लोगों ने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, गुजरात बोर्ड के बच्चों के लिए हमने काम करना स्टार्ट किया। अब हमने आज एक नया सा प्रण लिया है, एक नई सी चीज हमने स्टार्ट की है, और वो है आईएससी वाले बच्चों के लिए। हमने ऑब्जर्व किया कि भैया YouTube के पूरे चैनल पे, पूरे YouTube पे भैया कहीं पे भी जाके देखो तो आपको आईएससी के लेक्चर्स बहुत ही लिमिटेड मिलेंगे, बहुत लिमिटेड कंटेंट, और बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है 12th आईएससी का, 11th आईएससी का। इसलिए हमने इस साल सोचा है कि हम 12th आईएससी और 11th आईएससी वाले बच्चों के लिए सारा का सारा कंटेंट डेवलप करके यहीं पे, इसी पर्टिकुलर चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए हम पूरा डालने वाले हैं, राइट? हमने ऑब्जर्व किया, बहुत टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कुछ टीचर्स अच्छे भी है, यस, सम टीचर्स आर वेरी गुड, दे आर टीचिंग वेरी गुड, राइट? बट सम ऑफ देम आर नॉट एट ऑल गुड, दे आर नॉट अप टू मार्क्स, राइट? द कॉन्टेंट इज वेरी वेरी लैगी, द कॉन्टेंट इज नॉट अप टू मार्क, नॉट अप टू टेक्स्ट बुक, राइट? सो वी हैव डिसाइडेड टू कम अप सर्टन अमाउंट ऑफ गुड कॉन्टेंट फॉर 11th एंड 12th आईएससी स्टूडेंट्स, राइट बडीज? सो दिस पर्टिकुलर ईयर वी आर स्टार्टिंग विद यू पीपल, राइट? वी आर स्टार्टिंग विद 12th आईएससी राइट नाउ, ओके? अब आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव रहेगा आपको एक स्टार्ट देना, आपको एक पुश ऑन देना उन बच्चों को जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, या जिन लोगों ने अभी तक अच्छे से तैयारी चालू नहीं की है, या जिन लोगों को अभी तक श्योर नहीं है कि भैया इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़े। सो भैया, आपकी सोच खत्म, आपकी खोज खत्म हो गई है। अब आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से इकोनॉमिक्स पढ़ना और कहाँ से पढ़ना है सर, शेपर्स एडुकेशन की चैनल से, राइट? यहाँ पे मैं आपके लिए एक एक टॉपिक, एक एक डिटेल के साथ में यहाँ बताऊंगा। मैं उतना इन डिटेल भी नहीं बताऊंगा जो हम पीएचडी में पढ़ रहे हैं, और ना मैं उतना शॉर्ट में बताऊंगा जितना आपके टेक्स्टुअल्स में दे रखा है, बट मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। आज इस वीडियो में हम खाली इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पूरे 12th आईएससी के इकोनॉमिक्स का क्या बेसिक सार है, क्या बेसिक मॉरल है, उसे पढ़ना कैसे, उसकी किस तरह से कॉन्टेंट डिविजन रहा है। तो चलिए, आपको मेरे साथ आगे तक बने रहना है इसी वीडियो के अंदर। सुबह चलो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले 12th आईएससी के इकोनॉमिक सब्जेक्ट की। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सर, मुझे आईएससी हमेशा से पसंद क्यों रहा है, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग रहा है। ऑनेस्टली, मैंने हर बच्चों को, हर पर्टिकुलर बोर्ड के बच्चों को हमने पढ़ाया है, फ्रॉम स्टेट बोर्ड टू सीबीएसई बोर्ड टू आईएससी बोर्ड टू आईजी बोर्ड, मैंने हर स्टैंडर्ड के बच्चों को, हर पर्टिकुलर बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया है। बट आईएससी हमेशा से मुझे ज्यादा पसंद रहा है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। आपके बुक्स बहुत बल्की है, आपकी बुक्स बहुत डिटेल्ड है, आपके बहुत सारे टॉपिक्स बहुत ही लिमिटेड टाइम में कवर करती है आपकी बुक्स, एंड दैट्स द रीजन आईएससी बहुत बच्चों को कभी कभार डिफिकल्ट भी लगता है। सो मैं आपको आईएससी को सिंपल बनाने के लिए आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि हम किस तरह से पढ़ेंगे, हमें क्या क्या टॉपिक पे कहाँ कहाँ किस तरह से फोकस देना है, ठीक है बच्चा? तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 12th आईएससी भैया इकोनॉमिक्स पढ़ना कहां से है। सबसे बेस्ट बुक है 12th आईएससी में इकोनॉमिक्स पढ़ने की, फ्रैंक, राइट? मेरे हिसाब से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बुक्स इन इंडिया प्रेफर फ्रैंक, राइट? मैक्सिमम स्कूल आप जाओगे सो दे विल से फ्रैंक इज अ वेरी गुड बुक, मैक्सिमम स्कूल्स प्रेफर फ्रैंक। इफ सपोज इफ योर स्कूल इज नॉट प्रेफरिंग फ्रैंक, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, भैया एक एडिशनल बुक खरीद लो, गो एंड बाय एडिशनल बुक, राइट? इट डजंट कॉस्ट मच, एंड ऑलवेज रिमेंबर When you buy a book, it's always an investment, not an expenditure. So, बिल्कुल डरने का नहीं, किताब खरीद लेने का, go and buy a book. Frank is very good book because it is recognized by your board as well as the content is very, very good and very, very perfect. So, I would always recommend go and buy Frank, right? अब मैं आपको यहाँ पे पूरे फ्रैंक के हिसाब से पढ़ाने वाला हूँ। मेरा पूरा कंटेंट जो यहाँ जाएगा, इट वुड बी एज पर द इंडेक्स ऑफ फ्रैंक, राइट? देखिए, कंटेंट मैक्सिमम सारे बुक्स में सेम होगा, बट मेरा चैप्टर का अलोकेशन फ्रैंक के हिसाब से रहेगा। सो अगर आप मेरे वीडियो को आगे देख रहे हैं, तो एक बार अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहे तो भी फ्रैंक का इंडेक्स एक बार आप ले लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा इंडेक्स आपके लिए मैं यहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? तो चलिए, अब अगर हम बात करते हैं फ्रैंक की या इकोनॉमिक्स की, हमारा इकोनॉमिक्स टोटल 1 to 20 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। हमारे पास 1 से लेके टोटल 20 चैप्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसमें 1 से लेके 11 चैप्टर्स जो होते हैं, 1 to 11, ये सारे के सारे चैप्टर्स होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। किसके होते हैं बच्चा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के। और इसके बाद के जो चैप्टर्स है 12 से लेके
12th से लेके पूरे 20 तक ये सारे के सारे होते हैं मैक्रो लेवल के, इनको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, बहुत सिंपल है और प्रैक्टिकली आपको दिखता है, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को देख सकते हो, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को फील कर सकते हो। यस, आपको मैं ऑनेस्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करना सिखाऊंगा। और सर, इकोनॉमिक्स पढ़ने का मजा कब आता है? मुझे आज तक बहुत बच्चे मिलते हैं जो मुझे बहुत बार बोलते हैं, सर इकोनॉमिक्स पढ़ना हो तो आपसे पढ़ना चाहिए, मजा आती है। मैंने हमेशा से बच्चों से ये हमेशा से तारीफ सुनी है, सर इकोनॉमिक्स का मजा कब आता है? जब आप इकोनॉमिक्स को प्रेजेंट लाइफ से, प्रेजेंट सिनारियो से, करंट वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग हो जाता है। सर मैं यहाँ पे भी यही कोशिश करूंगा, मैं आपका पूरा इकोनॉमिक्स आपको सामने रख के दूंगा, आपको दिखेगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। सो माइक्रो बहुत इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स है क्योंकि वो आपको अपनी करंट वर्ल्ड से, करंट सिचुएशन से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। सो मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, आई कैन प्रॉमिस दिस स्टफ दैट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू 11th चैप्टर यू पीपल आर नॉट एट ऑल गोइंग टू गेट बोर्ड। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी ऑसम, इट इज वेरी गुड, राइट? बट आफ्टर 12th चैप्टर, राइट, जब हम 12th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा कंटेंट हैवी हो जाएगा, बिकॉज बिकॉज देर इज अ लिमिट, राइट? बिकॉज देर इज अ रीजन, बिकॉज यू हैव टू मग अप सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग्स, देर वुड बी डेटा, देर वुड बी इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू लर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टफ, राइट? अब वहां पे आपको प्रैक्टिकल दिखना बंद हो जाएगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैक्रो भैया, नेशनल लेवल पे आ गए, हम बड़े लेवल पे आ गए हैं। सो देर वुड बी डिफिकल्टी ऑफ कनेक्टिंग दोस पर्टिकुलर स्टफ टू योर करंट सिनारियो, टू योर करंट पोजिशन, टू द करंट सिचुएशन, एंड दैट इज द रीजन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स फील कंफ्यूज्ड और दे फील लाइक इट्स गेटिंग बोर्ड, बिकॉज थोड़ा बहुत तो आपको लर्न करना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट? बट ट्रस्ट मी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक दोज पर्टिकुलर चैप्टर्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल। आई विल गिव यू सर्टेन अमाउंट ऑफ माई ओन हैंड रिटन नोट्स टू मेक दीज थिंग्स मोर एंड मोर ब्यूटिफुल फॉर यू पीपल, राइट? ये अभी हमारी जर्नी का स्टार्टिंग है सर, खत्म नहीं हो रही है। सो आप बोलोगे सर फिर क्यों डरा रहे हो? मैं कभी डराता नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। आई लव इकोनॉमिक्स, राइट? इकोनॉमिक्स इज रोमांस फॉर मी, राइट? सो जब मैं इकोनॉमिक्स से प्यार करता हूँ तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, अच्छी चीज अच्छी है और बुरी चीज बुरी नहीं है, वो खाली थोड़ी सी बोरिंग है, बच्चों के मन में ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, थोड़ा आपको हैवी पड़ेगा, बट आई एम गोइंग टू मेक दैट पर्टिकुलर स्टफ ऑल्सो इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल, राइट? सो 12 टू 20 चैप्टर्स दे आर वेरी गुड, बट यस दे आर सर्टेन अमाउंट ऑफ हैवी चैप्टर्स, राइट? सो वी विल ट्राई टू मेक देम मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल, फाइन इनफ? सो ये रहेगा आपका माइक्रो और मैक्रो का एलोकेशन। अब माइक्रो के अंदर हम बेसिक्स क्या पढ़ने वाले हैं? माइक्रो में पढ़ेंगे कुछ थियरीज लाइक लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, कॉस्ट रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट्स, बहुत मजेदार मजेदार कॉन्सेप्ट्स है। और ये पर्टिकुलर चैप्टर आपके लिए एग्जाम में बहुत सारा मार्क, बहुत सारा वेटेज कैरी करेंगे, ओके? अब आप मुझे पूछेंगे सर आप कैसे पढ़ाएंगे, आप क्या पहले पूरा माइक्रो करा के फिर मैक्रो स्टार्ट करेंगे? सर मैं चाहूंगा, मैं बहुत सारी स्कूल्स को ऑब्जर्व करता हूँ, राइट, कि कौन से स्कूल में किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को कौन सा चैप्टर पहले पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, या उनके एग्जाम्स में कौन से पहले चैप्टर आने वाले हैं। साथ साथ में मैं मेरे कॉमेंट्स को बहुत सीरियसली लेता हूँ, जो बच्चे मुझे सजेस्ट करते हैं कि सर पहले प्लीज ये चैप्टर पढ़ाइए ना, मैं वो पढ़ा देता हूँ पहले चैप्टर्स, राइट? सो आप लोग भी फ्री रहिए, आप बिंदास इस कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप क्या चाहेंगे मैं कौन से चैप्टर से स्टार्ट करूँ, माइक्रो से स्टार्ट करूँ या मैक्रो से स्टार्ट करूँ, कौन से टॉपिक आपको जो सबसे डिफिकल्ट लगते हैं, भैया बिंदास बोलो, आई विल 100% मेक श्योर दैट आई विल मेक दोस पर्टिकुलर टॉपिक वेरी इजी फॉर यू पीपल, आई विल मेक दोस पर्टिकुलर टॉपिक इजी फॉर यू, राइट? बट उससे पहले आपको इतना करना है, आपको मेरी ये बात, आपको मेरी ये चैनल आपके सारे दोस्तों तक पहुंचानी है कि आईएससी में अब पढ़ाने वाला एक और बंदा आ गया है जो आपके लिए आईएससी और इंटरेस्टिंग और सिंपल और इजी बनाने वाला है, ठीक है? सो हम चालू करते हैं। मोस्टली अगर मुझे सजेशंस मिलेंगे तो मैं 100% वो सजेशंस फॉलो करूंगा, और नहीं मिलेंगे तो कल मैं आपको माइक्रो के चैप्टर से स्टार्ट करने वाला हूँ, राइट? माइक्रो के कुछ बेसिक चैप्टर से मैं स्टार्ट करूंगा, जहां पे हम इकोनॉमिक्स के वन बाय वन करके सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर्टिकुलर चैनल पे आपके लिए छोड़ने वाले, ठीक है बच्चा? सो ये खाली आज का एक वेलकम नोट था, एक इंट्रोडक्शन था। मैं चाहूंगा आप आगे इस वीडियो को और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि आईएससी हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं, और मैं चाहूंगा आप कमेंट में जरूर से मुझे लिख के भेजिए कि आप मेरे से फिलहाल कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहेंगे, राइट इनफ? चलिए, विल मीट अगेन टुमारो।